हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके हास्टन वार्डन के लिए काम आएगा, जिसमें 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा, ठीक है। हास्टन वार्डन सिलेबस से उठा के देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान से जो है 10 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये आपका टीचर भर्ती के लिए काम आएगा। टीचर भर्ती के साथ साथ आपका जो है सी जी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ठीक है। तीन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए काम आएगा। तो टीचर भर्ती, सी टेट वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, सी जी टेट वगैरह का, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। ये जो सेशन है खास करके जो है हास्टन वार्डन के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि आगामी में आपका जो एग्ज़ाम सितंबर में, ठीक है जी, तो 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था आत्मक विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको 20वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को जो है इसको किस नाम से जाने जाने लगा था, तो मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान, याद रखिएगा ये कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानने लगा था। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है, ठीक है। तो विकास का अर्थ है कैसे परिभाषित करेंगे, तो ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, बी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, डी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप, ठीक है, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो विकास का अर्थ है यहाँ पे अभिप्रेरणा अनुभव के जो परिणाम, जो फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को जो है कहा जाता है विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 63 क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया गया था विलियम मुंड के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वाटसन के द्वारा, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो है दर्शन, ठीक है, मनोविज्ञान ये दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया है, तो विलियम जेम्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा ये किसने, मतलब कौन से जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने जो है ये दर्जा दिलाया है विज्ञान का, तो जो है विलियम जेम्स नहीं है जो दर्शन शास्त्र को अलग विज्ञान का दर्जा इन्होंने दिलाया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं, कैसा वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत। का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत, याद रखिएगा। तो कौन सा जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, नहीं है उसको बताना है, तो वर्गीकरण का सिद्धांत ये जो है वृद्धि और विकास सिद्धांत के जो है संबंधित नहीं, बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय के सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है, बाकी सी जो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल कौन है, तो ये भी मनोवैज्ञानिक है। तो मैकडूगल जो है इन्होंने अपनी जो उनकी पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी में, आउटलाइन जो साइकोलॉजी में किस शब्द की जो है कड़ी आलोचना की है, आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या चेतना की, इन्होंने जो है चेतना, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक जो मैकडूगल है इन्होंने उनके जो पुस्तक है, खुद की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, ठीक है, आउटलाइन साइकोलॉजी में इनके जो है ये जो है चेतना शब्द उस जो बुक है उसमें जो है जो चेतना जो शब्द की कड़ी इन्होंने आलोचना किया है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो है बालक का इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक। तो बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का इम्पोर्टेंस मुख्य स्थान होता है, ठीक है जी, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान के जन्म किस समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था, ठीक है। तो बाल जो मनोविज्ञान का जो जन्म है जो किसके समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था, प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वाटसन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जन्म जो है अरस्तु के समय ये दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में जो है हुआ था, ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी होगा, अरस्तु।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कि एक बच्चे की वृद्धि, एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, विकासी विधि। ठीक है, तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो आपका विकासी विधि है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। ठीक है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, ये सभी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, शिक्षार्थी का, सीखने की प्रक्रिया का और अध्यापक का, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 70 क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता के जो मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता के जानने के प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ए और सी है कि एक तथा दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड इसके जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता जानने का प्रयास, बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ठीक, ये जो है ये आपका अध्यापक की जो भूमिका इसमें जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 क्वेश्चन है, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में जो है स्वीकार किया गया था, मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, आत्मा जी। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, तो आत्मा के रूप में इसको जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो मूल्यांकन के जो है त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। ठीक है, ये जो है ये आपका जो मूल्यांकन जो है त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, अधिगम अनुभव जो है त्रिकोण के भाग हैं, बाकी सी ऑप्शन शिक्षण अनुभव इसका मूल्यांकन नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों को कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन? तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी जो समस्या, तो शैक्षणिक जो पिछड़ापन ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शैक्षणिक पिछड़ापन, डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक। ठीक, थार्नडाइक कौन है, तो ये भी मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक जो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये आपका चिंतन और कल्पना, डी ऑप्शन। ठीक है, तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार कौन सा है, चिंतन और कल्पना, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों को विभाजन, सी है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, डी है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना? इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, तो अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विद्यार्थियों को अपनाने में सहायक होना, ये आपका डी ऑप्शन जो है ये महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। ठीक है जी, 76 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, संरचनात्मकवाद, ठीक है, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनशीलता। ठीक है जी, तो ये जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है ये आपका सृजनशीलतावाद, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो विचारक के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है, फ्रोवेल के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार या आपका प्लेटो के अनुसार? तो इसका जो है पेस्टोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक है ये इन्होंने विचार दिया था कि इनके अनुसार जो है
शिक्षा जो है व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है। ये जो कथन जो है, ये जो है अपने विचार इन्होंने रखा था, ये आपके मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी के अनुसार, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिशु, ठीक है, जब शिशु जो है अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी है इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रजीय, ठीक है, इंद्रिय जो जनित जो स्तर है, ये जो है ये आपके शिशु अपनी आँख, कान, हाथ सोचते हैं तो ये जो है कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इंद्रजनित स्तर में जो है शामिल होते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा जो कथन है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का एक विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, सी है इनका जो संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या डी है यह शिक्षा को मनोविज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, तो ये जो है यह शिक्षा को मनोविज्ञानिक, ठीक है, आधार पर जो है प्रदान करता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये सभी एग्जाम के लिए काम है, शिक्षा भर्ती लेकर सी टेट, सी जी टेट, ठीक है, हॉस्टल मॉडर्न सिलेबस दिया होगा, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, आपका एक ही एग्जाम के लिए काम ना आएगा, ये सभी एग्जाम के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर का सेशन वगैरह भी जो है चलाया जा रहा है, ठीक है जी, तो उसको भी अटेंड किया करिएगा, हॉस्टल मॉडर्न के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो, मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।